हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत इजी रेसिपी। जब घर में कुछ सब्ज़ी बनाने के लिए ना हो या कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाना है, तो आप ये बना सकते हैं। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर प्याज हरी मिर्च की चटनी। ये बनाने में जितनी आसान है, खाने में ही उतनी टेस्टी है। आप इसे बच्चों के लंच में या हस्बैंड के लंच में या लंच डिनर कहीं कभी भी खा सकते हैं और सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो हमने एक पैन ले लिया है, गैस ऑन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमचा भर के सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सरसों का तेल प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये हेल्दी भी है। अब हम तेल को गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया है। अब हमने ये चार बड़े प्याज, चार से पांच बड़े प्याज ले लिए थे, जिन्हें हमने रफली मोटा मोटा काट लिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे तेल के अंदर। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, ब्राउन नहीं करना है, रेड भी नहीं करना है, बस हमें इसको ट्रांसपेरेंट करना है। क्योंकि हमें इसकी प्याज की चटनी के लिए हमें क्रंची प्याज चाहिए, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट होने देंगे। देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं। अगर अगर इससे ज़्यादा पकाएंगे तो वो क्रंची नहीं रहेंगी। ये मैंने चार बड़े टमाटर लिए थे, इनको भी बारीक बारीक काट लिया है। ये भी हम प्याज के अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब पाँच से छः हरी मिर्चें, जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, बाकी बच्चे भी ये खाने वाले हैं, तो आप हरी मिर्चें कम डाल सकते हैं या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। पर अगर आप इसमें हरी मिर्च डालेंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसकी हरी मिर्च डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स डलते हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, टेस्टी तो बहुत ज़्यादा ही है। अब ये हम थोड़ा इसको पका लिया था हमने, अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले भी इसमें बहुत कम डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे करीब आधा चम्मच, आधा से एक चम्मच आप डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार लाल मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो एक चम्मच डाल सकते हैं, कम तीखा पसंद है तो आधा डाल सकते हैं। और ये हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है इसके अंदर। अगर आपको बहुत ही कम तीखा खाते हैं तो आप हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, या फिर आप रेड लाल मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, और इसके टेस्ट पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, अब वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अब हम गैस को बिल्कुल स्लो करके इसको ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं और मैश हो जाएं चटनी के अंदर। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ये टमाटर हमारे करीब मैश हो चुके हैं, अच्छी तरह से हमारी चटनी पक चुकी है। बस हम अब इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए आपस में, प्याज टमाटर। बस थोड़ी देर के लिए हम इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। देखिए 1-2 मिनट के बाद में अब हमारी चटनी बिल्कुल बनके तैयार है। इसमें फटाफट बन जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और टेस्टी तो बहुत होती है। आप बच्चों को इसे रोटी में रोल करके लगा के रोल करके दे सकते हैं लंच में, आपके बच्चे जरूर इसे पसंद करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी टमाटर प्याज हरी मिर्च की चटनी। देखने में ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, हस्बैंड को भी दे सकते हैं, और लंच डिनर में खा सकते हैं, और सफ़र में भी आप इसको ले जा सकते हैं। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।